हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी बेल्ट बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने क्रोशिया हुक लिया है, 4.5 mm का लिया है और मैंने ये ग्रीन कलर की वूल ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से नोट लगाएंगे, चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से 10 चेन बनाएंगे। फिर हम एक दो दो चेन एक्स्ट्रा लेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, पास वाली में भी डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जितनी चेन ली है सब में डबल क्रोशिया बनाना है। इस रो को ऐसे कंप्लीट करेंगे। सिंपल तरीके से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, सब में डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए क्या करेंगे, एक दो दो चेन लेकर इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाली को फ्रंट से उठाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पास वाली को भी बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फ्रंट से बनाएंगे। ये देखिए एक को फ्रंट से बनाना है, एक को बैक से डबल क्रोशिया बनाना है। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फिर दिखा, ये देखिए इस तरीके से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैंने दो चेन लेकर फिर अभी बैक से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए इसको फ्रंट से डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। दो दो फंदे ही निकालेंगे। इसमें भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, जितना लेंथ आपको चाहिए उतना बना के कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फिर ये देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब इसमें मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी। देखिए अब मैंने इसमें ब्लैक कलर लगा लिया है। अब देखिए एक दो और ये तीन, तीन चेन लेकर फिर वापस इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पास वाली में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, तीन चेन लेकर वापस इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पास में भी बनाएंगे। एक दो तीन, फिर वापस इसी में सिंगल क्रोशिया, बल नहीं लेना है। एक एक दो तीन, तीन चेन लेकर वापस इसी में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस यहाँ पे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर दिखा, ये देखिए मैंने इस तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे, पास वाली में भी ऐसे ही बनाएंगे, तीन फिर वापस इसी में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये देखिए इधर भी बनाएंगे और फिर बनाते हुए यहाँ तक पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर दिखा, ये देखिए इतना कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब देखिए इसमें मैंने ये फंदे लगाए हैं, ये देखिए। अब देखिए इसमें इस तरीके से धागा लेंगे, फिर दोबारा ऐसे लेंगे और इसको कट कर देंगे।
पे क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये है, यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से लगा देंगे, ये देखिए यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए पांच हो जाएंगे हमारे पास, एक दो तीन चार पांच, पांच इधर लगाएंगे और पांच ही इस साइड में लगाएंगे इस तरीके से, सिंपल तरीके से फिर लगा के। ये देखिए इस तरीके से मैंने, ये देखिए फंदे लगा लिए हैं और मैंने इसको पूरा बराबर करके फिर कटिंग कर लिया है। इस साइड में भी ऐसे ही किया मैंने, ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचबल बनी है, ये देखिए, ये देख बहुत प्यारी बनी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।